हाय एवरीवन, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो है ये गुड़ पारे। अक्सर शादियों में जो भाजी मिलती है ना उसके डब्बे में ये ज़रूर होते हैं और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हलवाई स्टाइल बनने वाली गुड़ पारे की रेसिपी। सो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक कप मैदा और उसमें ऐड किया है 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, जिसका इस्तेमाल हम केक बनाने में करते हैं ना, बस वही। अच्छी तरह से इसे मैदा में मिला लीजिए। और अब मोयन के लिए मैं 1/4 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे कि मैंने मेल्ट करके लिया है और हाथों से बहुत अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है। तो जितना अच्छा आप मोयन लगाएंगे ना, उतना ही अच्छा आपका मैदा गूंद करके तैयार होगा। तो ये देखिए, कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी कि आप इसे हाथ में बांध कर गिराएं तो ये गोला सा बन करके फूटे ना गिरते वक्त। अब ले रही हूँ इसको गूंदने के लिए दूध। तो ये बॉयल किया हुआ दूध है जो कि अब रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और दूध यहाँ पर पूरा 1/4 कप लग जाएगा, लेकिन हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़े थोड़े बैचेस में डालना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा माप हो जाता है। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिएगा। और ये देखिए, मेरा यहाँ पर पूरा 1/4 कप दूध है यूज़ हो चुका है। और मैदा हमें गूंदनी है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, हद से ज़्यादा इसे नीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए, इकट्ठी हो चुकी है। अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए हमारी जो मैदा है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसमें आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। थोड़ा सा नीट कर लिया है और बस इसके क्रैक्स हमने नहीं ख़त्म किए हैं। और अब मैंने इसे चकले पर रख लिया है और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। और रोटी बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, तो मैं अभी आपको फाइनली दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें रोटी बना लेनी है। इतनी मोटी मैंने इसकी थिकनेस रखी है बस। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो कट आप इसे अपनी मनचाही किसी भी शेप में कर सकते हैं, पर मुझे तो बिल्कुल वैसे ही खाने थे जैसे भाजी के डब्बे में होते हैं। तो मैं भी इसे एकदम जैसे हलवाई कट करते हैं ना, सेम उसी वाले ही साइज़ में इसे बना करके तैयार करूँगी। तो ये पिज़्ज़ा कटर से बहुत ही इजीली कट हो पा रहे थे। और दोस्तों, ये रेसिपी इतनी ज़्यादा इजी है और इतनी ज़्यादा डिलीशियस ही बनकर तैयार होते हैं कि अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना, तो यकीन मानिए ये मेरे साथ साथ आपके भी फेवरेट हो जाने वाले हैं। और बातों बातों में देखिए, हम इसे कट करके रेडी कर चुके हैं। तो देखिए, एक पीस आपको दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट ये बन करके तैयार हुए हैं और इसे हमने बेलने के लिए किसी भी तरह के सूखे आटे का या ऑयल या घी का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो सारे के सारे निकाल कर प्लेट में रख लेती हूँ, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ऑयल गर्म कर लिया है मैंने और देखिए, ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि बस आप कुछ डालें इसमें तो हल्के हल्के बबल्स हैं। गैस का फ्लेम लो करके रखना है और बस लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। और आप ध्यान रखिएगा कि किसी चौड़े तले के बर्तन में ही आप फ्राई कीजिए। अच्छा, इन्हें पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जिस कढ़ाई में इसे फ्राई करो उसके ऑयल को ही आपको इसे हिलाना है, तो ये अपने आप मूव करेंगे। और थोड़ी देर के बाद जब आपको लगे थोड़ा सा ये पक चुके हैं, फिर आप हल्के हाथों से करछी इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, कितनी अच्छी इसकी लेयर्स भी आपको नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार होंगे। लेकिन अभी करछी आप लगाते वक्त अपना बहुत सॉफ्ट हाथ ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत डेलिकेट हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इसे अलट पलट के सेक लीजिए और जब इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगे तो गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा। ऐसा करने से ना इनमें ऑयल भरेगा नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल सही गोल्डन कलर के ये आ चुके हैं। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में और बिल्कुल ही परफेक्ट बन करके तैयार हो चुके हैं। अब आगे की तैयारी हम करेंगे इसकी चाशनी बनाने की। तो ये देखिए, सारे सीख गए हैं ये। चाशनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप चीनी और उसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप गुड़ और ऐड करेंगे 1/4 कप ही पानी। तो मैं बिल्कुल वही प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ जो हलवाई करते हैं, वो चीनी और गुड़ दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। साथ में वो फूड कलर भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ मैं फूड कलर तो नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें बनानी है 1 तार की चाशनी। तो ये देखिए, हमारी जो तार की 1 तार की चाशनी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1/2 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर। गैस का फ्लेम अब बंद कर दीजिए और अब बंद करने के बाद गैस का फ्लेम हम इसमें डालेंगे 1 पिंच खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और जैसे ही वो डालेंगे ना, आप इसमें झाग आने लगेंगे और बस उसी स्टेज पर हमें ये जो फ्राई करके हमने अपने पारे रखे थे ना, उन्हें डाल देंगे और कंटिन्यू मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, अब गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, अब बस इसे लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। और लगभग 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे ये एकदम से ड्राई हो गए और बहुत अच्छी सी कोटिंग जो है ना वो आ चुकी है। तो बस अब निकाल कर इन्हें
प्लेट में रख लीजिए। देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं। एकदम खस्ता लेकिन इतने सॉफ्ट कि कोई अगर आप बुज़ुर्ग भी खाए ना तो भी बहुत आसानी से इसे खा लेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।